नमस्कार, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र स्टडी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 का, यानी कि ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो है सेंटअप परीक्षा का जो है हमारे पास ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सारा का सारा क्वेश्चन जो है हमारे पास आ चुका है सेंटअप एग्जाम से पहले। आप लोग को मैं सारा का सारा क्वेश्चन जो है और आंसर जो है आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे सेंटअप एग्जाम से पहले। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं आंसर को जो है इस वीडियो में सॉल्व करने वाला होता है। आप लोग जो है इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। आप लोग के लिए जो है एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अभी तक सेंटअप एग्जाम नहीं दिए हैं तो आप लोग के लिए जो है जो 11 नवंबर से सेंटअप एग्जाम शुरू होने वाली है यहाँ पर जो सेम पेपर जो है आप लोग को सेंटअप एग्जाम में रहेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखकर जाइएगा और आराम से जो है सारा का सारा क्वेश्चन जो है आप लोग छाप कर आराम से आ जाएंगे। और आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए भी एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखेगा और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी आ जाएगा उसका ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी मैं सारा क्वेश्चन अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे, आप लोग जान सके हम देख सके। तो देखिए यहाँ पर जो ज्योग्राफी में जो यहाँ पर पेरिकल होता है ये जो है आर्ट वाले के लिए जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल मार्क्स जो है यहाँ पर 70 मार्क्स का जो है 30 मार्क्स का जो है यहाँ पर पेरिकल होता है। तो यहाँ पर जो कुछ निर्देश दिया गया है 15 मिनट के लिए जो है यहाँ पर अतिरिक्त समय जो है आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने के लिए जो है यहाँ पर दिया गया है। यहाँ प्रश्न पत्र जो है 2 खंड में, खंड अ में जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है और खंड ब में जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप खंड अ में जो है 42 अंश 19 प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 42 दिए गए और 35 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी कि 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको OMR शीट में फिलअप करना अनिवार्य है। और यहाँ पर जो 1 अंक निर्धारित होंगे आपको 1 ऑब्जेक्टिव पर। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बिहार बोर्ड ने साफ साफ बता दिया है। और खंड ब में जो है 18 लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक के लिए जो है 2 अंक आप लोग को मिलेंगे यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स आप लोग को मिलेंगे। और 10 प्रश्नों का जो है उत्तर देना है 18 में से, जो भी आप लोग को सही सही आएंगे वही क्वेश्चन जो आप लोग को उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। मैं सारा जानकारी जो आप लोग को दूंगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से जो है 5 अंक जो है आप लोग को प्रत्येक क्वेश्चन पर मिलेंगे, जो 3 प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग को देना है। 3 जो है आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जो भी आप लोग को याद होंगे वे जो है आप लोग उत्तर पुस्तिका पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग को 35 का ही सॉल्व करना है। 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, यहाँ पर 7 जो है एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। डाउट नॉट, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपको क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, NEET या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउट नॉट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डाउट नॉट पर। साथ ही डाउट नॉट पर क्लास 9 से 12 बच्चों के लिए चल रही इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस यानी पूरी पढ़ाई होगी डॉट नॉट पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नॉट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी डॉट नॉट ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी? रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी? तो टेलर ने। इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2001 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे 2 करोड़ थी। इसका करेक्ट आंसर बी सही है 2 नंबर क्वेश्चन का। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे दक्षिण एवं पूर्वी एशिया। इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी प्रदेश का क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर है तथा उसकी जनसंख्या 150,000 है तो उस प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व होगा तो क्या होगा? 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर 4 का सी सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक घना बसा क्षेत्र है? विश्व में सबसे अधिक घना बसा क्षेत्र है तो 5 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे जलोद मैदान में। इसका करेक्ट आंसर जो है 20 सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, कोबे ओसाका क्षेत्र है? कोबे ओसाका क्षेत्र है तो 6 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे जापान में जो है कोबे ओसाका क्षेत्र है। इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक है? निम्न में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक है तो 7 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे सी सही है, शिक्षा सुविधाओं का अभाव। इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रिया नहीं है? निम्न में से कौन प्राथमिक
क्रिया नहीं है, तो आठ का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे बी सही है, स्कूल में पढ़ाना। इसका करेक्ट आंसर बी सही है, स्कूल में पढ़ाना। नौ नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऋतु प्रवास करता है, निम्न में से कौन ऋतु प्रवास करता है, तो नौ का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को जो है इनमें से सभी, डी सही है। दस नंबर क्वेश्चन है, कर्तन एवं दहन कृषि को मेक्सिको में कहा जाता है, कर्तन एवं दहन कृषि को मेक्सिको में कहा जाता है, तो दस का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे ए सही है, मिल्पा। इसका करेक्ट आंसर ए सही है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, वाणिज्यिक डेयरी कृषि का सबसे बड़ा प्रदेश है, वाणिज्यिक डेयरी कृषि का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है, उत्तर पश्चिम यूरोप। इसका करेक्ट आंसर बी सही है, उत्तर पश्चिम यूरोप। बारह नंबर क्वेश्चन है, फ्लोरिकल्चर का संबंध है, फ्लोरिकल्चर का संबंध है, तो बारह का करेक्ट आंसर जो है सी सही है, फूल उत्पादन से, फूल उत्पादन से जो है फ्लोरिकल्चर का संबंध है। तेरह नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सहकारी कृषि का क्षेत्र नहीं, निम्न में से कौन सहकारी कृषि का क्षेत्र नहीं है, तो तेरह का करेक्ट आंसर जो है डी सही है, इनमें से सभी जो है सहकारी कृषि का क्षेत्र नहीं है। चौदह नंबर क्वेश्चन है, सिलिकन घाटी कहाँ अवस्थित है, सिलिकन घाटी कहाँ अवस्थित है, तो चौदह का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे ये सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका करेक्ट आंसर ये सही है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वुहान औद्योगिक केंद्र है, वुहान औद्योगिक केंद्र है, तो पंद्रह का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे चीन में। इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है। सोलह नंबर क्वेश्चन है, पंचम क्रियाकलाप का संबंध है, पंचम क्रियाकलाप का संबंध है, तो 16 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे ए स्वर्ण कॉलर से। इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन साप्टा का सदस्य राष्ट्र नहीं है, निम्न में से कौन साप्टा का सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो 17 का करेक्ट आंसर डी सही है, इटली। 18 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ दो सड़कें तीसरी सड़क पर मिलती है वहाँ किस प्रतिरूप की बस्ती का विकास होता है, तो 18 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे ए वाई का। इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला मिलियन सिटी है, विश्व का पहला मिलियन सिटी है, तो 19 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे लंदन में। इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, इग्लू पाया जाता है, इग्लू पाया जाता है, तो 20 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे ये सही है, ध्रुवीय प्रदेश में जो है इग्लू पाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, केनबेरा नियोजित नगर है, केनबेरा नियोजित नगर है, तो 21 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे बी सही है, ऑस्ट्रेलिया में जो है केनबेरा नियोजित नगर है। इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, 2011 में भारत में नगरीय आबादी का प्रतिशत था, 2011 में भारत में नगरीय आबादी का प्रतिशत था, तो 22 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे बी सही है, 31.16। इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित प्राकृतिक बंदरगाह है, भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित प्राकृतिक बंदरगाह है, तो 23 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे बी सही है, विशाखापट्टनम में। इसका करेक्ट आंसर बी सही है, विशाखापट्टनम में। इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, बुंदेलखंड प्रदेश में गुच्छित बस्ती के विकास का कारण है, बुंदेलखंड प्रदेश में गुच्छित बस्ती के विकास का कारण है, तो 24 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे पर्यटन का। इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तर भारतीय नगर नहीं है, निम्न में से कौन उत्तर भारतीय नगर नहीं है, तो 25 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे बी सही है, नागपुर में। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकन कपास कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 26 का हो जाएंगे गर्मा। इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन ऊर्जा का अनविकरणीय स्रोत है, कौन ऊर्जा का अनविकरणीय स्रोत है, तो 27 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे ताप। इसका करेक्ट आंसर डी सही है। और यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बालाघाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, बालाघाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो 28 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे डी सही है, मैग्नीज के लिए। इसका करेक्ट आंसर जो है बालाघाट जो है, बालाघाट जो है मैग्नीज खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है, 28 नंबर क्वेश्चन का। 29 नंबर क्वेश्चन है, तांबा नहीं पाया जाता है, तांबा नहीं पाया जाता है, तो तांबा जो है यहाँ पर कोरापुट में नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर जो है बी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, सिंगरेनी प्रसिद्ध है, सिंगरेनी प्रसिद्ध है, तो सिंगरेनी जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 30 नंबर क्वेश्चन का। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में पेट्रोल शोधनशालाओं में कौन असम में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोगों को 31 का बरौनी में। इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, राउरकेला किस राज्य में अवस्थित है, राउरकेला किस राज्य में अवस्थित है, तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे बी सही है, उड़ीसा में। ये सभी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है याद कर लीजिए, और आप लोग को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में एवं सेंटअप एग्जाम में तो यही प्रश्न देंगे आप लोग को, आप
लोग सेंटअप एग्जाम देकर आइएगा तो आप लोग कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। आप लोग जो है सारा का सारा क्वेश्चन जो है आप लोग सही सही जो है आप लोग छाप कर आ जाएंगे। तो यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे 1854 ईस्वी में, इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, इंदौर सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क है, इंदौर सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क है, तो 34 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे 20 सही है, मध्य प्रदेश में जो इंदौर सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न औद्योगिक क्षेत्रों में कौन दक्षिण भारत में है, निम्न में औद्योगिक क्षेत्र में कौन दक्षिण भारत में है, तो 35 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र में, इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भरमौर है, तो 36 का करेक्ट आंसर डी सही है, इनमें से कोई नहीं भरमौर है, इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो 37 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे ए सही है, सड़क से, इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली और अमृतसर के बीच है, तो दिल्ली और अमृतसर के बीच क्या है, तो यहाँ पर NH1 है, इसका करेक्ट आंसर जो है ए सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे का निर्माण हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है, 1998 ईस्वी में हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 40 का करेक्ट आंसर जो है बी सही है, 1953 ईस्वी में। और यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है, मुक्त आकाश नीति का संबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को सी सही है, वायु परिवहन से, इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो सेंटअप परीक्षा का जो है लास्ट क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन है, तूतीकोरिन पतन है, तो 42 का करेक्ट आंसर जो है ए सही है, तमिलनाडु में। तो यहाँ पर जो है ये जो है 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख लिए और इसका आंसर जो है हम लोग देख लिए। और यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, कहाँ कहाँ से, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सेम प्रक्रिया जो है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जो है आप लोग को देखने को मिलेंगे, सेम पेपर जो है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में रहेंगे, इसी प्रकार से जो है आप लोग से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेक्शन बी में यानी कि खंड ब में जो यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 18 तक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं जो है यहाँ पर 10 प्रश्नों का जो है उत्तर देना है, आप लोग को एक प्रश्न पर जो है 2 अंक मिलेंगे यानी कि 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आप लोग क्वेश्चन मिलाते चलिए, यहाँ पर जो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है, आप लोग देख लीजिए 18 तक। और यहाँ पर जो है 19 से जो है यहाँ पर आप लोग को 24 तक जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिल जाएंगे जो 5 अंक के होंगे, आप लोग को 3 ही प्रश्न का जो है जवाब देना है उत्तर पुस्तिका पर, आप लोग को जो है इसमें 15 मार्क्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जो है यहाँ पर आप लोग को 20 मार्क्स मिल जाएंगे, 20 और 15 हो गया आप लोग को 35, एवं आप लोग को 35 जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 मार्क्स पूरा हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग को जो भी इसमें से आएंगे याद होंगे वही जो है आप लोग उत्तर पुस्तिका पर जो है आप लोग बनाइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल है वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।